लालू प्रसाद यादव के बरेलाल तेज प्रताप यादव कल एक अलग छात्र मोर्चा तैयार किया। उस छात्र मोर्चा का नाम है युवा छात्र जनशक्ति परिषद। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। लगातार जो है विपक्ष हमलावर है। आज बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जिन्होंने इस सारे मामले पर बयान दिया और कहा कि राजद अक्षम हो चुकी है। राजद के दूसरे युवराज जो है अलग संस्था बनाते हैं, अलग मोर्चा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि राजद में सब कुछ ठीक नहीं है। एक युवराज और दूसरे युवराज में सब कुछ बन नहीं रहा है, इसीलिए जो है राजद के एक युवराज जो है अलग मोर्चा बनाते हैं तो दूसरे युवराज जो है अलग मोर्चा बनाते हैं। तो इस पर बड़ा हमला किया है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले वो अपने ही सहयोगी दल पे ऊपर बयान दिया था जेडीयू के ऊपर और नीतीश कुमार को काफ़ी कुछ भला बुरा कहा था, लेकिन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी आज आरजेडी को आड़े हाथ लिया है और साथ में अपने सहयोगी दल के विधायक गोपाल मंडल पर भी कहा है कि पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। जेडीयू का ये मामला है, जेडीयू उस पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पंचायती राज मंत्री इशारों में कह दिया है कि हमारी ओर से ये मांग है कि गोपाल मंडल पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ कहा था कि तारकिशोर प्रसाद जो है वसूली करते हैं, तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। और दूसरी ओर तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस में उनका जो अर्धनग्न तस्वीर जो है सबने देखा था, इसको लेकर के अब वो सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि पंचायती राज मंत्री आज तेज प्रताप यादव को लेकर के आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पंचायती राज मंत्री, पहले आप सुने। भाइयों में उनकी संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, लोटा ग्लास थाली भी बंट जाना चाहिए। तेज प्रताप ने अपनी एक अलग छात्र परिषद बनाई है, क्या लग रहा है कि ये? लेकिन मेरे बाबू जी ने इसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल अक्षम हो गई है, इसलिए राजद के एक युवराज अब एक अलग विंग बना रहे। राष्ट्रीय जनता दल काम करने में अक्षम हो गई, इसलिए ना राष्ट्रीय जनता दल के एक युवराज को एक व्यवस्था खड़ा करनी पड़ रही। तो अक्षम हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हमारा दोष नहीं है, भाजपा जनता दल यूनाइटेड तो बिहार के विकास के लिए काम कर। यदि राष्ट्रीय जनता दल अक्षम हो गई है तो हमारा कुछ नहीं कहना। वो अक्षम हो गई तो तेज प्रताप ने अलग एक दुकान खोल दिया, हम उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन जदयू विधायक है, उनका जिस तरह से तस्वीर वायरल हुआ गोपाल मंडल जी का, उस पर क्या? देखिये, उस पर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, पार्टी को निर्णय लेना है, जनता दल यूनाइटेड उस पर निर्णय लेगी। जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी अपना तय करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई। आपके तो डिप्टी सीएम पर भी बहुत कड़ा टिक दिया। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर जनता दल यूनाइटेड से आग्रह किया है कि आप उस पर कार्रवाई करें। पार्टी को तय करने दीजिए, पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तय करना है कि उनको क्या कार्रवाई। तो सुना आपने पंचायती राज मंत्री को जो बड़ा हमला किया है तेज प्रताप यादव को लेकर के आरजेडी में, कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है उनके दोनों युवराज के बीच और गोपाल मंडल पर कार्रवाई की मांग कर दी है पंचायती राज मंत्री ने। तो क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में आपको हम